ऐसा है, हमारी 25 दिन से 20 दिन से हमारी डेयरियां जो जीरे की मंडियों में आई पड़ी है, सरकार कभी कहती है कि 25 तारीख को खरीद करेंगे, कभी कहते हैं 1 तारीख को, कभी कहते हैं 11 तारीख को। रात बारिश पड़ी है कुरुक्षेत्र एरिया में, सारा हमारा धान भीग चुका है। इसका जो जिम्मेवार है वो मंडी प्रशासन है। हमारी सुक्की डेयरियाँ यहाँ पर आई थी, हमने सुक्की आड़तियों का मॉइस्चर भी दिखाया था, 17 पॉइंट कुछ मॉइस्चर आ रहा था, लेकिन रात बारिश की वजह से वो भीग चुकी है। हमारी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाया जाए। कब तक जाम रहेगा क्या? जब तक ये हमारी खरीद शुरू नहीं होती, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कल का MP MLA घेराव करने, कल अगर आज यहाँ सुनवाई नहीं होती तो कल MLA MP के घर के आगे जीरी घेर के फिर प्रदर्शन करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे, उनका घेराव करेंगे, बंदी बनाएंगे, जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी खरीद शुरू नहीं होती। क्या कहेंगे आज जाम लगाया है? जाम तो ये भाई साहब 1 महीने से हमारी जीरी पड़ी है मंडियों में, और रात बरसात ने कम से कम 20% जीरी ख़त्म कर दी। उसका मुआवजा कौन देगा? मैं, अगर सरकार हमारी जीरी पहले खरीद लेती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। और आज भी CM के कहने के बावजूद भी भाई 3 तारीख से जीरी खरीद शुरू है, आज तक एक दाना नहीं खरीदा गया। झूठे आश्वासन देते हैं सभी। कहा गया था कि 3 तारीख से खरीद शुरू होगी और अब सेलर मिल के जो है वो, लेकिन सेलर वालों ने आज तक एक भी दाना नहीं खरीदा जी। झूठे आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये घट ले लो और दे दो। सूदे की दुकान बिक रही है, पवन सैनी दुकान बिक रही है, इन दुकान बिक रही है, 2 दुकानों पे। पवन कुमार, गांव सिरसला। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इस नू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।